तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था छापा, जिसके लेखक थे ओम प्रकाश आदित्य। तो अब हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कि फिफ्थ लेसन ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, उसके लेखक है सुनील शास्त्री। जो सुनील शास्त्री है वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र है, उनके बेटे हैं। वो एक राजनेता है, कविता भी लिखते हैं, लेखक भी है, ये सब गुण उनमें है। संगीत भी लिखते हैं, समाज कार्यों में तो वो विशेष करके हमेशा आगे रहते हैं। मतलब समाज कार्य करना उनको अच्छा लगता है, सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचार उन्होंने हमेशा अपने पुस्तक या फिर पत्रिकाओं में मांडे। मतलब उस माध्यम से उन्होंने अपने सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक विचार प्रकट करने की कोशिश की है। तो उनकी प्रमुख कृतियाँ है लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी, यह पुस्तक जो है उनकी, उसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है, ट्रांसलेशन किया गया है। और इसी बुक से ये जो पार्ट है ईमानदार की प्रतिमूर्ति, वो उन्होंने लिया, मतलब उन्होंने लिया है। फिर वो इस प्रस्तुत पाठ में क्या बताते हैं, तो जो स्वर्गवासी लाल बहादुर शास्त्री थे वो कैसे, मतलब उनकी ईमानदारी, उनकी सादगी, मतलब उनका सीधा सिंपल रहना, सिंपल जो लाइफ स्टाइल उनकी, फिर सरलता, सच्चाई और पर दुख का करता, मतलब दूसरे के दुख को देख नहीं पाते थे, आदि गुणों को बड़े अच्छी तरह से उन्होंने बताया है। तो जो लाल बहादुर शास्त्री थे, सुनील शास्त्री के पिताजी, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय वाराणसी में हुआ था, और इनका इनकी जो मृत्यु थी वो 11 जनवरी 1966 में हुई थी। तो वो थे, वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, मतलब पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनके मृत्यु के बाद वो प्रधानमंत्री बने थे, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। वो 9 जून 1964 से 11 जून 1966 तक उनका जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल था, तब तक वो भारत के प्रधानमंत्री थे। मतलब उन्होंने सिर्फ 11 महीने ही अपना कार्यकाल संभाला था, पर उस 11 महीने में भी उन्होंने इतना अच्छा और अद्वितीय काम किया था उस कार्यकाल में कि सब देखते ही रह गए थे उनका कार्य। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से अपनी शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। तो लाल बहादुर की जो मृत्यु थी वो 11 जुलाई 1966 में ताशकंद सोवियत संघ में हो गई थी। तो 1951 में जब जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे, तो उनके नेतृत्व, मतलब उनके अंदर जो कांग्रेस कमेटी के महासचिव थे, उनको लाल बहादुर शास्त्री को उस पद पर नियुक्त कर दिया था। मतलब कांग्रेस जो कमेटी थी उसके सचिव, महासचिव के रूप में उनको नियुक्त कर दिया था। 1952, 1957 और 1962 इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लाल बहादुर शास्त्री ने बड़ी, मतलब बहुमत से विजय दिलाई थी। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान 27 मई 1964 को देहावसान हो गए, मतलब उस समय उनकी मौत हो गई। कब, तो 27 मई 1964 में उनकी मौत हो गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर उनकी मौत होने के बाद जो 1964 में लाल बहादुर शास्त्री को वो पद दिया गया, मतलब उस पद के लिए उनको नियुक्त कर दिया गया। पर 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री का पद उन्होंने ग्रहण कर लिया था। तो उनके शासनकाल में, मतलब जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उस टाइम पे 1965 में भारत और पाक युद्ध शुरू हो गया था। उससे पूर्व 3 वर्ष पहले जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने चीन से मित्रता का हाथ बढ़ाया था, पर चीन ने उनकी पीठ में छुरा घुसाया था। उन्होंने भारत के साथ युद्ध शुरू कर दिया था और भारत उसमें हार चुका था उस युद्ध में। शास्त्री जी ने अप्रत्यक्ष रूप से उस टाइम की जो स्थिति थी, युद्ध थे उसमें, मतलब राष्ट्रों को एक अच्छा तरह से संभाल के रखा था, मतलब एक अच्छा नेतृत्व उन्होंने प्रदान किया था राष्ट्र को, और पाकिस्तान की करारी उन्होंने हार करा दी थी। मतलब भारत का जो नेतृत्व उन्होंने किया था बहुत अच्छा उन्होंने किया था, पाकिस्तान फिर उसमें हार गया था। इसी कल्पना से पाकिस्तान ने कभी, मतलब ऐसी कल्पना पाकिस्तान ने कभी कल्पना या फिर उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा, वैसा उन्होंने नेतृत्व किया था। फिर जब युद्ध समाप्त करने के बाद जब वो एक आपस में सुलह हो रही थी या फिर करार जब हो रहा था, तब उनके हस्ताक्षर लेने के लाल बहादुर शास्त्री के हस्ताक्षर चाहिए थे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी सारी शर्तें मान
ली थी, पर वो सिर्फ एक शर्त मानने रहे थे कि जो पाकिस्तान का हमने इंडिया ने जो जीता हुआ पार्ट था वो उनको रिटर्न देने के लिए वो तैयार नहीं थे, बाकी सब सारी शर्तें उन्होंने मान ली थी। और जब उन्होंने कलरनामे पर वो साइन किया या फिर हस्ताक्षर किया, उसी रात उनकी मौत हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री की 1967 में। फिर जब मौत का रिजल्ट पूछा गया तो उस टाइम मतलब उनका पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था, और जब पूछा रिजल्ट तो बताया गया कि उनको हार्ट अटैक आया, पर किसी किसी का यह भी कहना है कि उनको खाने में जहर देकर मारा गया है, कि कोई भी मतलब उनका पोस्टमार्टम भी नहीं किया। और फिर उनके लिए इंक्वायरी बिठाई गई थी कि इनकी मौत क्यों कैसे हुई, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो भी इंडियन पार्लियामेंट लाइब्रेरी में नहीं है, फिर इंडियन पिनल कोड में उसका भी रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। तो जो उनकी एक मौत है वो रहस्य में बनकर ही रही कि उनकी मौत अच्छी हुई कैसे थी। तो एक थे लाल बहादुर शास्त्री और उनके जो बेटे हैं सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री। तो सुनील शास्त्री जी ने अपने इस लेसन में ईमानदार की प्रतिमूर्ति में बहादुर शास्त्री के साथ उनके बचपन, फिर उनके व्यवहार और फिर अपने पिता से उन्होंने क्या सीखा वो सब विस्तार में, और उनके जो माता पिता के बीच में जो संभाषण था शुरुआत में जब उनकी शादी हुई तो उनके ऊपर परिस्थिति कैसी थी वो सब विस्तार में बताया है। तो लेखक बोल कहते हैं कि जब वो बाबूजी उनके साथ थे तो उनको कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं देखा उन्होंने, या फिर अभाव मतलब किसी चीज की उनको कमतरता कभी कभी उन्हें महसूस ही नहीं हुई। अभाव का मैंने लिखा इधर अभाव मतलब कमी या फिर कमतरता, मतलब वो बोलते कि हमने कभी बाबूजी के रहते किसी चीज़ का अभाव किसी चीज़ की उनको कमतरता फिर कभी कभी कमी कभी महसूस ही नहीं हुई थी। फिर उनके न रहने के बाद जो कुछ उन पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभावी था, मतलब जब उनकी मौत हो गई 1967 में उसके बाद जो भी कुछ उन पर बीता तो उसके बाद उनके जीवन में वो एक अभावी था। और फिर उनको एक बैंक में नौकरी करनी पड़ी, लेकिन उससे पूर्व जब उनके बाबूजी थे मतलब लाल बहादुर शास्त्री थे तब वो उत्तर प्रदेश में जन्मे थे, और लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। उस टाइम गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था, तो इसलिए वो हमेशा कल्पना करते थे कि हमारे पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होनी चाहिए, इम्पला शेवरलेट इस तरह से। और जब उनके बाबूजी प्रधानमंत्री बने तो उनके पास वो गाड़ी आ भी गई, तो उसे मतलब देख देख कर उनको बहुत मतलब उनका बहुत जी करता था कि कभी मैं वो गाड़ी चलाऊं या फिर उससे हम घूमने जाए, कभी ऐसा मौका मिले उन्हें। और एक दिन उनको यह मौका मिल भी गया था, तो सोचते विचारते कल्पना करते उनको ये मौका मिल गया एक दिन गाड़ी चलाने, और धीरे धीरे उनमें हिम्मत भी आ रही थी कि हिदायत दे सके। हिदायत देना मतलब ऑर्डर देना, उनके घर में जो काम करते थे तो उनको ऑर्डर देने में उनको थोड़ी थोड़ी हिम्मत आ रही थी कि इस तरह से ऑर्डर दी जाती है। तो वो उनके पर्सनल जो असिस्टेंट थे उनके बाबू जी के मतलब निजी सचिव मतलब पर्सनल असिस्टेंट तो थे, तो उनको वो बोलते ही कि ड्राइवर को कहना, सैयद साहब उनका नाम था, कि सैयद साहब जरा ड्राइवर से कहिए कि इम्पाला लेकर रेजिडेंस के तरफ आ जाइए, ऐसे वो उस इसको सचिव को ऑर्डर देते हैं। फिर दो मिनट में गाड़ी जो होती है वो दरवाजे पर लग जाती है, तो अनिल भैया होते हैं उनके, वो कहते हैं कि मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम्हें चलाने तो चलाऊं। तो फिर वो आगे बढ़ते सुनील शास्त्री और शान मतलब ड्राइवर से चाबी मांगते और बोलते कि तुम बैठो आराम करो, आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। और फिर गाड़ी चल पड़ती उनके साथ, गाड़ी ले वो चल पड़ते हैं। बोलते क्या शान की सवारी थी, मतलब वो बोलते कि आज भी वो सवारी अगर मैं याद करता तो मेरे बदन में मतलब बॉडी में एक सीरन सी दौड़ जाती। सीरन मतलब बुक में बड़े झुरझुरी मतलब सिहरन, सीरन सी दौड़ जाती है। तो फिर वो बोलते कि जिसकी हाँ वो खाना खाने गए थे वहाँ पहुँच जाते हैं, पर जब बातचीत करते हैं वो खाना खाने के बाद तो बातचीत में उनको ध्यान ही नहीं रहता कि बहुत लेट हो गया उनको घर जाने में। तो जैसे उनको याद आता कि अगर घर जाएंगे तो बाबूजी आए होंगे और फिर उनके बारे में पूछताछ करेंगे, तो फटाक से वो घर के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो घर पहुँच जाते तो घर के थोड़े पीछे गेट पर ही पहले ही गाड़ी रोक देते हैं और उतर कर गेट खुलने को सिर्फ मतलब गेट तक आ जाते हैं और संतरी को हिदायत देते हैं, संतरी मतलब द्वार पर वॉचमैन उसको हिदायत देते हैं कि सैल्यूट मत करो मतलब सलाम वाला मत करना, बस धीरे से गेट खोल दो ताकि हम अंदर जा सकें।
सके। अगर वो सैल्यूट करता मतलब सलाम करता या फिर गेट खोल देता तो दरवाजे की मतलब आवाज आती और बाबूजी जाग जाते। इसलिए वो बोलते कि सलाम वलाम मत करो, फिर धीरे से गेट खोल दो। फिर वो गेट खोल देते, वो आवाज करते मतलब बंद करता है और बोलते कि बंद भी मत करो तुम, गेट खुला ही छोड़ दो नहीं तो उसको भी आवाज आएगी। इसलिए फिर वो बाबूजी का डर था उनके मन में, अगर बाबूजी को पता चलेगा कि ये इतनी रात तक देर तक आए थे तो उनके ऊपर गुस्सा करेंगे। और ऊपर से एक इम्पेलर शेवरलेट लेके गई थी, मतलब वो बहुत कम टाइम पे उनके बाबूजी इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब जब कोई स्पेशल इंसान घर पे आता था या फिर स्टेट गेस्ट आते थे तभी वो गाड़ी निकला करती थी और ये इसका इस्तेमाल उन्होंने आज किया था। तो बोलते कि फिर जब वो लोग घर पहुंचे तो उनको लगा कि मतलब अगर वो घर पहुंचेंगे तो बाबूजी को उनके लौटने का अंदाज हो जाएगा और बेकार में पूछताछ करेंगे कहाँ गए थे क्यों गए थे। तो अभी बात ताजा है, सुबह तक वो थोड़ा शांत हो जाएगी बात, तो हम सुबह बात करेंगे इस पर, ऐसे उन्होंने कह दिया। और संत से जैसा कहा उन्होंने वैसा ही किया। दबे पर वो किचन के दरवाजे से घर में घुस गए और जाते ही उनको सामने अम्मा दिखी, उनकी मम्मी दिखी। तो उन्होंने पूछा कि बाबूजी आ गए? तो वो बोलती है कि कुछ पूछा तो नहीं, उन्हें ऐसे सवाल पूछा कि बाबूजी आ गए कुछ पूछा तो नहीं। तो फिर वो बोले कि हाँ आ गए, पूछा था मैंने बता दिया। फिर उसके आगे कुछ पूछने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई, यह कि मतलब ये जानने या फिर सुनने की भी उन्होंने कोशिश मतलब हिम्मत नहीं उनसे हुई कि क्या कहा या फिर क्या पूछा। सिर्फ उन्होंने इतना ही बोला कि सुबह जल्दी मत मतलब कमरे में किसी को मत भेजना, रात देर से आया हूँ, सुबह लेट मतलब लेट तक सोऊंगा। और वो अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर सुबह 5:30 या फिर 6:45 बजे तक किसी ने उनके दरवाजे पे दस्तक दी, मतलब दरवाजा खटखटाया, नींद की टूटी। फिर वो बड़ी तेज आवाज में बोला कि देर रात को आया हूँ, सोने दो, सोना चाहता हूँ मैं। फिर ये मतलब उन्होंने ये सोचा कि कोई नौकर दरवाजे के बाहर है, तो इसलिए वो दो बड़ी तेज आवाज में बोलती कि रात को देर से आया हूँ मुझे सोने दो। तो फिर इतना उन्होंने बोला तो फिर से दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, मतलब दरवाजा खटखटाया। फिर वो झिझलाते हुए मतलब चीट कर जोर से बिगड़ मतलब जोर से अपना मूड बेकार करके बोलने मतलब दरवाजे की ओर बढ़ते हुए गए और दरवाजा खुला तो उन्होंने पाया कि सामने बाबूजी खड़े हैं। फिर वो कुछ सोचा नहीं कि मैं क्या बोलूं। फिर वो बोलते कि बेधने में हुआ मतलब लापरवाही या फिर ध्यान नहीं था मेरा क्या हो, इसलिए मैं बड़े तेज आवाज से बोल रहा था। वे बोले कोई बात नहीं आओ हम लोग साथ में चाय पीते हैं। फिर उन्होंने लेखक ने कहा कि ठीक है। फिर वो जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचे। तो उनको लगा कि उनके पिताजी को राम कहानी मतलब जो रात को इम्पाला लेकर गए थे घूम मतलब किसी के घर पे खाने पे, वो सब कहानी उनके पिताजी को पता है। पर कोई भी तर्क नहीं किया, मतलब फिर भी उन्होंने कुछ सवाल नहीं किया और ना ही कुछ जाहिर नहीं दिया या फिर कोई भी मतलब उनको पता है उन्होंने प्रकट करने की कोशिश भी नहीं की या फिर स्पष्ट करने की, ऐसा उनको लगा लेखक को। फिर कुछ देर बाद जब चाय पीते पीते वो बोले कि अम्मा ने तो कहा था कि तुम लोग आ गए हो और तुम कह रहे हो कि तुमको आने में रात में बहुत देर हो गई, कहाँ चले गए थे? और फिर कहना तो पड़ेगा। फिर उन्होंने जवाब दिया हाँ बाबूजी एक जगह पर हम खाने पर चले गए थे। तो फिर उन्होंने आगे और प्रश्न किया लेकिन खाने पर गए तो गए कैसे, जब मैं आया था तो फेट गाड़ी जो थी वो गेट पर खड़ी थी तो तुम गए कैसे? फिर उनको कहना पड़ा कि हम इम्पला लेकर गए थे। फिर वो उनके बाबूजी बोले लाल बहादुर शास्त्री कि ओहो बड़े लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलानी है तुम्हें। तो फिर मतलब लेखक बोलते कि जो बाबूजी थे उनके वो खुद इम्पला का जो प्रयोग थे वो बहुत ना के बराबर करते थे, मतलब अगर कोई स्टेट गेस्ट आएगा कोई स्पेशल इंसान आएगा तभी उसका प्रयोग किया जाता मतलब यूज किया जाता था। तो उनकी ऐसी बात सुनकर लेखक को लगा कि अगर उनको आए दिन मतलब जब उनको चाहिए या फिर डेली बेसिस पर वो इम्पाला का प्रयोग कर सकते उसका यूज कर सकते, ऐसे लेखक को लगा। फिर ऐसे ही वो अनिल भैया की तरफ इशारा कर देते हैं। फिर चाय खत्म होती है पीने के बाद, फिर वो बोलते हैं सुनील शास्त्री को कि जरा ड्राइवर को बुला दीजिए कि आप तुम जरा जाओ ड्राइवर को बुला दो। फिर वो ड्राइवर को बुलाते हैं, फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम लॉग बुक रखते हो? तो उसने उत्तर दिया कि हाँ। उन्होंने आगे कहा एंट्री करते हो कभी? तो फिर बोलते
बोलते कि हाँ, फिर उधर की तुम्हें पता है कलिंग ने कितनी गाड़ी चलाई, तो बोलते कि 14 किलोमीटर। तो उन्होंने हिदायत दे दी कि उसमें लिख दो उस लॉग बुक में कि 14 किलोमीटर निजी उपयोग, निजी मतलब पर्सनल, पर्सनल यूज के लिए उन्होंने 14 किलोमीटर गाड़ी चलाई। तभी उनके समझ में कोई मतलब कोई बात आई ही नहीं, ना अनिल शास्त्री की ना सुनील शास्त्री की, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि इस लॉग बुक में 14 किलोमीटर निजी उपयोग के लिए रख दो। फिर वो बोले कि अम्मा को बुला कर लाओ। फिर जो लेखक थे वो अम्मा को बुला कर लाते हैं। फिर वो अपने मतलब बीवी से कहते हैं कि तुम 14 किलोमीटर के हिसाब से, 1 किलोमीटर के प्रति 60 पैसे थे, 60, तो 14 किलोमीटर के हिसाब से जो भी होंगे तुम वो इसको दे देना, ड्राइवर को, ऐसा उन्होंने कहा। तो इतना जो उन्होंने कहा, तो उसके बाद उन्होंने कहा अनिल भैया और वो वहां रुके चाय पीने के टेबल पर, वो सीधा अपने कमरे में गए और उनका मतलब उनकी रुलाई छूट गई थी और वो अपने कमरे में भागकर पहुंच गए। काफी देर तक वो बंद कमरे में रोते रहे, फुट फुट कर वो रो रहे थे। उनकी बाप मतलब उन्हें यूज किया और उनके बाबूजी ने उसको अपने पर्सनल यूज में लिखा और उसके पैसे भी दे दिए, तो वो ससुर उनको बहुत बुरा लगा था। तो बोलते कि जो ये बात है वो आपसे मैं शांति तहत नहीं कह रहा, मतलब शांति के लिए नहीं बता रहा, बट वो एक बात थी कि उनके जीवन में वो आदर्श बन गई थी। तो बोलते कि जब मैं सक्रिय राजनीति में आया तो सरकारी पद पाने के बाद उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकते, सो उन्होंने कहा। आप ही सोचिए कि वो बोलते कि जो मेरे बच्चे हैं वो मुझसे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल पे स्कूल भेजते हो, बारिश होती है तो रिक्शे में स्कूल भेजते हो, पर कई ऐसे दूसरे बच्चे हैं जो सरकारी गाड़ी से स्कूल आते हैं, तो फिर आप हमें क्यों नहीं छोड़ते। तो फिर वो बोलते कि वो छोटे बच्चे हैं, लेकर बोलते हैं कि वो मेरे जो बच्चे हैं बहुत छोटे, उनको मैं समझा सकता हूँ पर चिल्ला कर नहीं बात कर सकता, या फिर कले से छिक छिक कर बता भी नहीं सकता कि मैं क्यों नहीं करता, सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूँ। और जब भी कभी उनको फ्री टाइम मिलता है तो अपने पर्सनल गाड़ी से उनको स्कूल में छोड़ दिया करते हैं। तो फिर वो बोलते कि मैं अपना जो सरकारी ओहदा है, जो सरकारी पद है, वो छोड़ के आया हूँ आपके साथ ये बात करने के लिए। और ये बात करने के बाद वो बोलते मुझे थोड़ा सा फ्रेश और अच्छा महसूस हो रहा है ये वो। और भी वो कहते कि मैं आज के जीवन में यह कोशिश करता हूँ कि जो मैं नींव है मतलब नींव मतलब बेस, उसको कैसे सजो के या फिर उसको कैसे संवार सकता हूँ, ताकि ये तूफानी झंझावत में मतलब तूफानी बारिश मतलब मुसीबत या फिर किसी भी परेशानी में बिखरे नहीं, संभाल कर डट कर खड़ा रह सके, उनके मन का महत्व। तो फिर वो बोलते कि आगे उनको याद है वो बचपन के दिन, जब वो जो दिन उन्होंने अपने बाबूजी के साथ बिताए थे। वे बोलते कि वो अपना व्यक्तिगत काम मतलब उनका पर्सनल काम उन्हें सौंप देते थे और वो कैसा गर्व अनुभव करते थे, एक मतलब उनके मन में होड़ थी और मतलब लगन थी कि वो जो काम संभाल देते हैं दो भाइयों में वो सबसे अच्छा कौन करेगा, और दोनों में हमेशा एक कंपटीशन लगा रहता था किसने कितना काम किया कैसा किया, कौन सबसे अच्छा सफाई से काम करता है मतलब कौन सबसे नीट काम करता है, वो उनके बीच में कंपटीशन लगा रहता था दो भाइयों में, सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री। फिर वो एक दिन बोले थे सुनील शास्त्री को कि सुनील मेरी जो अलमारी है वो काफी बेहतर तक मतलब बहुत कपड़े खराब हो गए इधर उधर, तो तुम जरा उसको ठीक से लगा देना और कमरा भी ठीक कर देना। तो जब लेखक स्कूल से लौटे तो वो सब कमरा ठीक ठाक कर डाले और दूसरे दिन जब वो स्कूल जाने के लिए निकले तो वो तैयार होकर निकल रहे थे, तभी बाबू ने उनको बुलाया और पूछा तुमने सारा जो कमरा है वो ठीक ठाक लगा दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर तुमने मेरे कुर्ते कहाँ रख दिए या फिर कहाँ है मेरे कुर्ते। फिर वे बोले वो कुर्ते भला कोई कुर्ते थे, कोई यहाँ से फटे तो कोई वहां से फटा था, कुर्ते वो अच्छे नहीं थे इसलिए मैंने वो सारे कुर्ते उठाए और अम्मा को दे दिए। फिर उन्होंने अपने सुनील शास्त्री से पूछा फिर से कि ये कौन सा महीना चल रहा है, तो फिर वो बोलते हैं कि अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। फिर उन्होंने आगे फिर से बोला कि अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, फिर आगे कौन सा महीना आएगा, नवंबर का महीना जो कि जाड़े के दिन होते हैं मतलब ठंड का मौसम आएगा, तब ये सब जो कुर्ते हैं वो काम आएंगे, ऊपर से कोट पहन लूंगा, किसी को क्या पता चलेगा कि कहाँ से कौन सा कुर्ता फटा है। तो उस बात सुनने के बाद जो लेखक है वो देखते ही रह गए कि बाबूजी क्या कह रहे हैं, कि
जो कहते जा रहे थे ये सब खादी कपड़े जो है वो बड़ी मेहनत से बनाए जाते, मतलब उस टाइम पे चरखे पर हाथ से वो खादी कपड़े बनाए जाते थे और बिनने वाले की मुझसे पर बहुत मेहनत भी होती थी। तो उनका यह कहना था कि जो चरखे पर जो खादी कपड़े बनाए जाते हैं उसका एक एक सूत, मतलब एक एक जो धागा या फिर जो दोरा है उसको सही से उपयोग करना चाहिए और उसको सही से उपयोग करना आना भी चाहिए। तो उनकी ये जो बात थी मतलब उनको बहुत अच्छी लगी थी लेखक को। फिर उन्होंने हर समय बाबूजी की ओर या फिर उनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया था, मतलब वो क्या पहनते हैं, किस किफायत से रहते हैं, फिर वो उनके एकदम गौर से उनको ऑब्जर्वेशन करने लगे थे या फिर निरीक्षण का अच्छे से करने लगे थे कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं, किस समय क्या व्यवहार करते हैं, वो सब वो ऑब्जर्व करने लगे। तो फिर वो बोलते कि जब वो निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने एक दिन देखा कि उनकी जो बाबूजी है उन्होंने अम्मा को एक फटा हुआ कुर्ता दे दिया और कहा कि इनके रुमाल बना दो, मतलब जो खादी के कपड़े वो कुत्ते वो पहनते थे तो वो कैसे इसके अपने थे, मतलब थोड़ा अगर फटा था वो उन्होंने जाड़ के महीने में उसके ऊपर कोट पहन दिया और जब उसका हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते तब उन्होंने वो कुर्ते अपने बीवी को दे दिया और बोले थे कि इसके तो रुमाल बना लेना यूज करने के लिए। तो बोलते कि बाबू जी का एक तरीका था जो अपने आप में एक आकर्षण था, अगर वो सीधे सीधे कहते कि तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए या फिर खादी का सही से इस्तेमाल करना चाहिए तो वो बात लेखक के मन पे इतने लेखक को इतना आकर्षित नहीं करती, फिर उसका असर उनके ऊपर इतना नहीं होता जितना उनके पर्सनल यूज से या फिर उनके खुद के व्यक्तिमत्व से उनके मन पे जो प्रभाव हुआ था वो आकर्षण को वैसा नहीं मिलता। तो बोलते कि जो ये बोध है खाली कपड़े के हर एक चीज का सही से इस्तेमाल करना वो उन्होंने अपने पापा से लाल बहादुर शास्त्री से सीखा था। फिर वो बोलते कि वो स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतर हो जाते थे। फिर वो बोलते कि एक दिन जब वो अपनी अम्मा से बात कर रहे थे, मतलब अपनी माँ से जब बात कर रहे थे तो उनकी माँ ने कहा जब उनकी शादी हो गई थी तो हमारे शादी में चढ़ावे में सिर्फ उनको 5 ग्राम सोने का गहना ही पहनाया था आए थे, लेकिन जब वो विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उनकी मुंह दिखाई में रिश्तेदार से बहादुरगंज में उनको बहुत सारे मतलब रिश्तेदारों ने कुछ ना कुछ दिया था दागिना जिन दोनों मतलब जिन दिन वो बहादुरगंज के मकान में आए तो उनके बाबूजी मतलब जो लाल बहादुर शास्त्री है उनके जो चाचा जी थे उनको कोई घाटा हुआ लॉस हुआ तो किसी तरह से जो बाकी की जिम्मेदारी थी पैसा इकट्ठा करने की वो लाल बहादुर शास्त्री पे आई थी। तो फिर वो बोलते कि अभी हमको वो देना था तो बोलते कि हमने कभी उनसे इस बारे में पूछताछ नहीं की कि आपको घाटा कैसे हुआ या फिर क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, इसके बारे में उन्होंने कभी उनसे एक सवाल भी नहीं किया। तो बोलते कि एक दिन तुम्हारे बाबूजी आए और मुसीबत तो और मनुष्य की मजबूरियों को समझते हुए मुझे मतलब उनसे कहा अम्मा से कि गहनों की मांग थी कि मुझे तुम्हारे गहने दे दो, तो क्षण भर के लिए उनकी अम्मा को थोड़ी हिचकिचाहट मतलब थोड़ा सा उनको डर लग रहा था और थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी महसूस हो रही थी मैं मतलब गहने क्यों दूँ। फिर उन्होंने सोचा कि उनकी प्रसन्नता मतलब उनकी खुशी में ही इनकी खुशी आए, उन्होंने बिना कुछ सोचा बिना कुछ सवाल किए उनको अपने सारे गहने दे दिए, सिर्फ उन्होंने टीका बिना मतलब नथुनी और बिछिया मतलब जो नॉर्मली औरतें अपने पैर में सर्कल टाइप पहनती उसको बिछिया बोलते हैं और नथुनी तो नाक में पहनती इधर, तो वो सब उन्होंने जो सुहाग वाले गहने थे बिंदी टीका नथुनी और बिछिया ये तीन चीजें रखी और बाकी सब जो चीज थे गहने थे उन्होंने अपने पति को दे दिए। फिर उस दिन उन्होंने कुछ नहीं खा, फिर दूसरे दिन अपने पीड़ा न रोक सके उनके पति और वो कहने लगे तुम जब जाओगे मिर्जापुर तो उधर गहनों के संबंध में तुमसे पूछेंगे तो क्या कहोगे। फिर वो मुस्कुराकर कहा उन्होंने कि इसके लिए चिंता ना करें, हमने पहले से एक बहाना सोच लिया है, हम कहेंगे कि हम गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनना छोड़ दिया है और इस पर कोई शंका भी नहीं करेगा। तो तुम्हारे जो मतलब वो बोलती है अम्मा सुनील शास्त्री को उनका ये सवाल मतलब ये जवाब सुनकर तुम्हारे जो बाबूजी थे वो तो नहीं चुप रहे, फिर बोले तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है
इसमें मतलब तुम इससे अच्छी तरह से अपनी जिंदगी बिता सकती थी, तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे घर में भी हो सकता था, सुखी परिवार भी तुम्हें मिल सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना या फिर मतलब तुम्हें आराम देना तो दूर, तुम्हारे बदन के सारे गहने भी मैंने उतरवा दिए, ऐसा उन्होंने उनसे कहा अपने पत्नी से। तो सुनील शास्त्री की अम्मा बोली कि पहले जो असल गहना है वो तो है हमारे पास, और जब ये बस और हमें बस वही चाहिए, आप उन गहनों की चिंता ना करें, समय आ जाने के साथ मतलब समय के साथ वो गहने फिर से बन भी सकते हैं, और सदा थोड़े हमारे दिन ऐसे ही रहेंगे। आज अगर हम दुखी थे मतलब आज हमारे ऊपर परेशानी या फिर मुसीबत है, तो कल तो हमारे लाइफ में या फिर जीवन में खुशी के दिन जरूर आएंगे, ऐसा उन्होंने अपने पति से कहा था। तो उनके दिन मतलब ये जो पूरी बात थी, घटना थी उनकी उस टाइम की, वो उन्होंने अपनी मतलब अम्मा थी उनकी, सुनील शास्त्री की जो अम्मा थी, उन्होंने ये सब बात सुनील शास्त्री को बताई थी। और जो सुनील शास्त्री ने बुक लिखी थी कि लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबू जी, उनकी इस पूरी जो बुक थी उसमें से उन्होंने एक छोटा सा वो पार्ट निकाल के इस लेसन में लिखा है कि ईमानदार की प्रतिमूर्ति। तो स्वाध्याय में फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना के अनुसार कृति कीजिए, संजल पूर्ण करना है, डायग्राम कंप्लीट करनी है। शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषता मतलब उनका स्वभाव पहले से कैसे, वो ईमानदार थे, सादगी थी मतलब सिंपल रहते थे, दूसरों की सहायता करते थे और सरल फिर नेक्स्ट है कि परिणाम लिखिए, सुबह 5:30-6 बजे दरवाजा खटखटाने का परिणाम क्या हुआ, मतलब जब वो रात को देर से लौटे थे घर और सुबह सो गए थे देर तक, और उनके पिताजी ने सुबह 5:30 या फिर 5:45-6 बजे जब दरवाजा खटखटाया तो उसका परिणाम क्या हुआ, तो उनकी नींद टूट गई और वो बड़े तेज आवाज में बोलने लगे थे। नींद टूटना और बड़े तेज आवाज में बोलना उसका परिणाम हो गया। उसके बाद एक सवाल है कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से सेकेंड क्वेश्चन है कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का परिणाम क्या हुआ, मतलब जब उनको पता चला उनके पिताजी को कि अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री ने मतलब दोनों ने मिलकर जो इम्पाला थी वो पर्सनल यूज के लिए यूज मतलब पर्सनल काम के लिए यूज की है, और उन्होंने रात को 14 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो उन्होंने अपने जो ड्राइवर था उसको लॉग बुक में एंट्री करवाने के लिए बोला कि 14 किलोमीटर पर्सनल मतलब निजी काम के लिए, और अपनी बीवी से कहा कि तुम 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर के पैसे दे देना। जब उन्होंने ये कहा तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों से रहा नहीं सके, मतलब वो बात सुनकर दोनों भाई वहां रुक नहीं सके, कमरे में जाकर दो देर तक वो फुटफुट कर रो रहे थे, ये वो उसका परिणाम हुआ। फिर नेक्स्ट है कि पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम, पाठ में कौन कौन से गहनों के नाम है उसके वो लिखना है कि 5 ग्राम सोना, टीका, नथुनी और बिछिया, ये थे कि मतलब ये जो चार चीज थे उनका पाठ में प्रयुक्त हो गए थे नाम। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि फिफ्थ वाला पर जो असल कहना है वो तो है, इस वाक्य से अभिप्रेत भाव लिखी, मतलब उनकी अम्मा बोली कि जो असल कहना है वो तो मेरे पास है, इससे वो क्या बताना चाहती थी। तो क्या कि जो स्त्री के सोने चांदी की जो या फिर हीरे मोती जो भी गहने होते हैं उसके शरीर पर जो वो सजने या फिर सवाने के लिए यूज करती है वो गहने, वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, अस्थायी मतलब कायम स्वरूप ही आपके साथ में रहेंगे, मगर मतलब अगर आपके पास है तो है, और अगर आपके पास कभी बेचने की बारी आई आपके ऊपर तो आपको बेचने पड़ सकते हैं, फिर घूम भी सकते हैं। पर वो बोलते कि स्त्री का जो असल कहना है वो उसका पति ही होता है, जो हर समय किसी भी मुसीबत या फिर अच्छे बुरे समय में उसका साथ रहता है, उसके साथ निभाता है और उसके साथ रहता है, तो वो तो मेरे पास है, तो ये उनके कहने का अभिप्रेत था, अर्थ था। फिर उन्होंने आगे बुलाए पूछा है कि कुर्ते के प्रसंग के प्रसंग से शास्त्र जी इन गुणों का पता चलता है, मतलब जब वो कुर्ता अपने बीबी को देते हैं तो उससे किन गुणों का पता चलता है कि मतलब हर एक चीज को सही ढंग से इस्तेमाल करना, किसी भी चीज को व्यस्त नहीं जाने देना, उनके गुण थे। फिर पाठ में प्रयुक्त परिमाणों की सूची तैयार कीजिए, मतलब परिमाण मतलब हमने देखा था परिमाण वाचक,
मतलब जिससे हम नाप तोल मेजरमेंट क्या पता चलता है, जैसे कि पैसे प्रति किलोमीटर, फिर और क्या आपको आया था, किलोमीटर पैसे 5 ग्राम, ग्राम आया, फिर हर पल, मिनट, महीना, सप्ताह, ये भी सब मतलब दिन मेजरमेंट करने का प्रमाण है। फिर एक ही पर शब्द के दो अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए, मतलब जो पर वर्ड है उसका एक अर्थ लिखना है आपको, कोई भी दो, और उसका एक स्वतंत्र वाक्य, खुद से वाक्य बनाना है। तो पर के दो अर्थ होते कि पंछी का पंख और लेकिन या फिर परंतु, फिर मतलब जब हम बात करते पर मैंने तो ये कहा ही नहीं, तो मतलब किंतु या फिर परंतु के लिए या फिर लेकिन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये दो अर्थ है, पंछी का पंख या फिर लेकिन या फिर परंतु। तो इनको आपको किसी भी स्वतंत्र वाक्य में यूज कर एक नया सेंटेंस फ्रेम करना है। एक स्वमत है, सादा जीवन, उच्च विचार, विषय पर अपने विचार देखिए। मतलब दो मनुष्य के ढंग होते हैं, एक जो मनुष्य होता है वो सादा सिंपल रहने में अपना जीवन व्यतीत करता है, दूसरा जो मनुष्य होता है उसको अपने जीवन में हर एक आरामदायक चीज मतलब चाहिए होती है, लग्जरी चीजें, तो और उसी से वो अपना गुजारा मतलब करता है, हर एक चीज उसको मिलती भी है, मतलब उसके जीवन में पैसे का बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो चीजें ही उसको आनंद देती है। सरलता है, किसी की मदद करना, सहानुभूति देना किसी को, इस जो बाकी के जो आदर है समाज में, हमारे महान पुरुष जो जन्मे थे, संत जो महाराष्ट्र में हुए थे या फिर किसी भी राज्य में, वो उनका जो मेन मेन जो बेसिक था वो था कि सहानुभूति, हमें हर एक प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, सिंपल रहो, हर एक की मदद करो, अच्छे विचार, हर एक से मतलब हंस कर स्माइल करके बात करो, किसी को ये पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो सब उनका बेसिक था और वो उसको फॉलो भी करते, सिंपल रहते थे, मतलब हर एक को ज्ञान देते थे, किसी से क्रोधित होकर बात नहीं करते थे और उनके लिए पैसे का कोई भी मूल्य नहीं था। पर अभी जो समाज में कुछ कुछ लोग ऐसे कि उनके लिए सुख सुविधा, मतलब घर में ऐसे चाहिए, चलने के लिए कंटा लाते तो कार चाहिए, वो सब उनके लिए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हो गया और इनके लिए पैसा और उनकी जो सुख सुविधा है वो ही बहुत बेसिक मतलब इम्पोर्टेंट होती है और वो अपने घर का भी गुजारा वैसे ही करते हैं कि हर एक को वो खुशियाँ देना वही उनका एक मोटिव होता है कि मैं ये सब खुशियाँ दे दूंगा तो मेरे घर वाले सब बहुत खुश हो जाएंगे। पर जो मतलब जो एक्चुअल लाइफ है वो है कि सादगी में सिंपल रहो, मतलब जितना चाहिए उतना ही हमको खर्च करना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा बहुत आ रहा है तो खर्च नहीं करते बैठना चाहिए, अगर है भी तो किसी की मदद करो जिसकी मतलब जिसको एक्चुअल मदद की जरूरत है। जो मैंने संतों ने कहा था वो तो उन्होंने सिर्फ कहा है, किसी कोई भी उसको फॉलो भी नहीं करता है, तो उनकी जो विचार है वो हमको फॉलो करने चाहिए और उससे हमारा जो जीवन है वो उच्च भी बनेगा और हमारा जो मतलब मोक्ष है या फिर जो मोक्ष की प्राप्ति है वो हमको बहुत अच्छे से मिल जाएगी। और इसी मूल मंत्र के आधार पर मतलब हर एक की मदद करते रहना और जितना हो सके दूसरों की सहायता करना, तो हमारा जो मूल मंत्र उससे हमारा जीवन बहुत सरल या फिर सुखी हो पाएगा। तो इसके ऊपर तुम्हें क्या समझ में, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि सादगी, सादा जीवन, उच्च विचार, मतलब सादे सिंपल से अपना जीवन व्यतीत करना है, उच्च विचार है कि नहीं, इसके ऊपर तुम्हारे ओपिनियन तुम्हें लिखने हैं, स्वमत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्ण पहले से विलोम मतलब अपोजिट वर्ड, विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। तो उन्होंने एक टेबल दिया है और उसमें कुछ वर्ड्स है, तो उन वर्ड्स को तुमको ढूंढ कर देखने की कौन से अपोजिट वर्ड्स है उसमें, तो उसमें का मैं एक बता देती हूँ, उधर 4 पूछा है। तो फर्स्ट है कि फर्स्ट लिखा मतलब दुख, दु और ख है, तो उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, सुख, उसके नीचे ही है कि सुख, मतलब अगर आपको देखना है तो ये दुख और ये सुख, ऐसे अपोजिट वर्ड एक मतलब ढूंढकर तुमको लिखने हैं। जैसे 4 जोड़िया बनने उसमें से एक जोड़िया बता दे, जो बाकी 3 जोड़े हैं वो तुम खुद ढूंढ कर लिख देना उधर।